भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद मेघालय चारों तरफ से खूबसूरत दृश्य से घिरा हुआ है। दूर दूर तक फैले सिलसिलेवार पहाड़ियां, हरी भरी वादियां, झरनों की तरह बहती नदियां और पेड़ों के जड़ों से बने अनोखे पुल के अलावा मेघालय पुरातत्व का स्वर्ग भी है। मेघालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं पूर्वी खासी हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स के बीच 491 किलोमीटर के दायरे में कुल 1700 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में पृथ्वी के कई रहस्य दफन हैं। इस बारे में हमने प्रोफेसर देवेश के सिन्हा से बात की और ये समझने की कोशिश की कि लाखों साल पहले ये गुफाएं आखिर बनी कैसे थी। मेघालय में ये जो खासी हिल्स हैं, जिनको हम खासी हिल्स कहते हैं, उसमें लाइम स्टोन्स पाए जाते हैं, चूना पत्थर जिनको हिंदी में हम कहते हैं, जो कि रिलेटिवली काफी सॉफ्ट रॉक होते हैं। और उन चूना पत्थरों में से होके कई जगह से ये जो भूजल होता है, ग्राउंड वाटर, ये उनको घोल के डिसॉल्व करके ये कई जगह से बहता आया है और ये हजारों साल से हो रहा है। तो इन चूना पत्थरों की जो गुफाएं हैं वो उसी के वजह से बनती हैं, क्योंकि जो गुफा है वो भी कभी इन चूना पत्थरों से ही भरी हुई थी, लेकिन इन गुफाओं में ये गुफा जो बन गई, इसमें जगह जो हो गई, वो इसी के चलते हो गई कि ये जो लाइमस्टोन है इसमें जो वाटर परकुलेट करता है, घुसता है, तो ये प्रायः ये जो बरसात का पानी है यही पानी घुसता है। अब बरसात का जो पानी होता है ये अपने साथ हवा में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी घोल लेता है और एक बहुत ही वीक कार्बनिक एसिड बनाता है और उसके चलते ये लाइमस्टोन्स जो हैं ये घुल जाते हैं और घुलते घुलते कई हजारों वर्षों तक ये एक अजीब सी टोपोग्राफी डेवलप हो जाती है जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। और ये जो मेघालय के केव्स हैं ये इसी तरह से बने हैं और कुछ केव्स तो बहुत ही लंबे हैं, कई किलोमीटर्स लंबे हैं, और इसीलिए ये केव जो है बहुत ही असामान्य रूप से कभी संकरे हो जाते हैं और कभी बहुत चौड़े हो जाते हैं। मेघालय में आपको ये भी मालूम होगा कि मेघालय में सब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है और ख़ासकर ये जो केव है ये सब चेरापूंजी के आसपास ही है और बहुत ज़्यादा पानी बरसने से ये जो लाइमस्टोन है खासी हिल्स की, इसके अंदर ये तमाम केव्स बन जाते हैं। ये जो खासी हिल्स हैं ये सब जो है ये करीब 20 से 30 मिलियन ईयर के आसपास जब हिमालय पर्वत उठना शुरू हो गए तो ये पहले से ही ये चूना पत्थर उसमें डिपॉजिटेड थे। वहाँ पे एक्चुअली रोचक तथ्य ये है कि जहाँ पे ये खासी हिल्स हैं वहाँ पे कभी समुद्र बहता था जिसको हम टेथिस कहते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हिमालय उठता चला गया ये लाइमस्टोन के जो पहाड़ है खासी हिल्स के, जयंतिया हिल्स के, ये भी उठते गए और जैसे जैसे ये उठते गए धीमे धीमे उसके बाद बरसात शुरू हुई और बरसात के बाद ये केव्स बनते गए। तो इन गुफाओं का भी इतिहास करीब 15-16 मिलियन ईयर पुराना है। यानी मेघालय की ये गुफाएं चूना पत्थर, मूसलाधार बारिश और जमीन की बढ़ती ऊंचाई, इन तीन तत्वों के मिलने से बनी है। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि आज जिस कालक्रम में हम जी रहे हैं इसका नाम इन गुफाओं से मिले सबूतों के बाद ही मेघालय एज रखा गया था। क्रेम मामलू गुफाओं में पाए गए पत्थर आरोही निपेक्ष या स्टैलेगमाइट से पुरा तत्वों को एक ऐसी जलवायु आपदा का पता चला था जिसने 4200 वर्ष पहले कांस्य युग सभ्यता के साथ ही हरप्पा सभ्यता का भी नष्ट कर दिया था। जियोलॉजी में जितने भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं
उनको हम एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के परिपेक्ष में ही उसकी बात करते हैं और वो एक रिलेटिव टाइम स्केल। तो उसी तरह से जो अंतिम जियोलॉजिकल एपोक है या इंटरवल है या अंतराल है उसको हम होलोसीन कहते हैं। लेकिन होलोसीन जो कि 11,700 वर्ष से चला आ रहा है, इसमें होलोसीन को हमने तीन भागों में विभाजित किया और इन जो तीन भागों में विभाजित किया है, चूंकि होलोसीन एक बहुत ही गर्म युग है, तो हमने इसको तीन भागों में जो विभाजित किया है वो जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य बिंदु हैं उसके ऊपर विभाजित किया। तो होलोसीन शुरू तो होता है 11,700 जब एक गर्म युग की शुरुआत हुई, लेकिन होलोसीन का जो सबसे पहला भाग है उसको हम ग्रीनलैंडियन बोलते हैं और ग्रीनलैंडियन टर्म आया है ग्रीनलैंड से, जहां लंबे लंबे आइस कोर्स को हम निकालते हैं ग्लेशियर में से, और ये जो आइस कोर होते हैं इनके अंदर जलवायु के बारे में तमाम जानकारियां छुपी होती हैं, जिसको हम केमिस्ट्री से और भी कई टेक्निक से हम पता लगाते हैं कि उस वक्त कूलिंग थी या वार्मिंग थी, यानी ठंडा था या गर्म था। तो इस गर्म युग होलोसीन को जो सबसे पहला भाग है वो है 11,700 जब वार्मिंग शुरू हुई तब से लेकर 8,200 साल तक। तो ये ग्रीनलैंड ये चलता है करीब 4.2 किलो ईयर्स तक, यानी 4200 ईयर्स या 4,200 साल। जो 8200 ईयर्स से लेके 4,200 साल तक, इसका नाम है नॉर्थ ग्रिपियन। नॉर्थ ग्रिपियन भी ये ग्रीनलैंड से ही आया है। ग्रिप जो होता है वो ग्रीनलैंड आइस कोर प्रोजेक्ट, इसके लिए ये संक्षेप में इसको ग्रिप बोलते हैं। तो ये भी आइस कोर में जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं उसकी वजह से ये 8.2 किलो ईयर या 8.2 हजार साल से लेके 4.2 हजार साल, ये जो अंतराल है इसको हम नॉर्थ ग्रिपियन बोलते हैं। और 4.2 हजार साल यानी 4.2 किलो ईयर्स, ये जो है ये बेस है मेघालयन एज का। 4.2 किलो ईयर्स पर एक ड्रॉट सिचुएशन आई थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मानसून वीक हो गया था और लगभग सूखा पड़ा था राइट फ्रॉम यूरोप टू मेसोपोटामिया टू इवन पार्ट ऑफ चाइना, चाइना से लेके फिर इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सिंधु घाटी में और मेघालय में, ये सभी जगह ये लगभग 4.2 किलो ईयर पे यानी कि 4,200 साल के पास ये घटना घटी, जबकि काफी सूखा पड़ा था और बहुत ज्यादा कम बारिश हुई थी। तो ये मेघालय के जो ये जो केव्स हैं जहाँ पे आप स्टेलेगमाइट देखते हैं, जो स्टेलेगमाइट होता है वो जमीन पर जब लाइमस्टोन से को डिसॉल्व करके ये पानी जब जमीन पर गिरता है तो धीमे 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 जमीन पर ये एक कोन के आकृति की आकार बन जाता है जिसको हम स्टेलेगमाइट कहते हैं। और इसी तरह से छत से भी लटके हुए जो इसी तरह के आकार होते हैं जहां से पानी सीप करता है उसको हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। तो ये स्टेलेगमाइट्स और स्टेलेक्टाइट्स, ये बारिश जब होती है तो उस बारिश में जो जिसका पानी का कॉम्पोजिशन आप जानते हैं H2O होता है, तो उस ओ में ये ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स जिनको हम समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, तो ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 के रेशियो से हम ये पता लगाते हैं कि उस वक्त पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी या बहुत कम बारिश हुई थी। और स्टेलेगमाइट में हर साल का एक लेयर बनता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं और इससे हम उस स्टेलेगमाइट की एज भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ रेडियो कार्बन डेटिंग भी कर सकते हैं और उससे भी एज निकलती है। तो 4.2 किलो ईयर्स यानी 4,200 साल पर
ये देखा गया कि जो आइसोटोप या समस्थानिक की गणना की गई उससे पता चला कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था उस समय, और चूंकि ये घटना मेघालय के जो ये क्रेम मामलुह है यानी कि मामलुह गुफा, इसमें पाए जाने वाले स्टेलेगमाइट में ये बहुत ही उभर के आई, इसलिए 4.2 किलो ईयर यानी 4200 साल से लेके अब तक के समय को ये मेघालयन नाम से संबोधित किया गया। जलवायु के अलावा इन गुफाओं में हमें उस युग के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। वैज्ञानिकों को यहाँ शार्क मछलियों के कुछ दांत के जीवाश्म, 700 मिलियन वर्षों पुराना डायनासोरों, खासकर समंदर में पाए जाने वाले एक विशाल नरभक्षी सांप मेसासोरस के जीवाश्म भी मिले हैं। मतलब ये हुआ कि मेघालय की गुफाएं भारतीय पुरातत्व की बेशकीमती संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्हें संजोकर रखने और उनकी कदर करने की सख्त जरूरत है।